बाबा साहब नाज शरीफ बड़ी हसीन पढ़ते हैं माशाल्लाह। बाबा साहब अभी कितने बकरे होंगे आपके फार्म पे बड़े? भाई बड़े बकरे होंगे भाई कम से कम 26 बकरे होंगे बड़े। 26 बकरे बड़े हैं आपके पास अभी? अच्छा, और छोटे तो माशाल्लाह कोई गिनती नहीं? तो बहुत सारे हैं, अल्लाह का एहसान है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम आए अब्बा गोट फार्म पर और हमारे साथ अब्बा गोट फार्म के जो ऑनर हैं अशफाक पहलवान साहब, उनके साहबजादे यहाँ पर हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बकरा है इनके पास। और अभी हम अब्बा गोट फार्म के मैनेजर साहब तालिब बाबा से रब्ता होंगे। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बकरा। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत से? जी भाई अल्लाह करम। काफ़ी दो महीने के बाद, तकरीबन दो महीने बाद आपकी वीडियो बन रही है। रमजान बाद का बोला था, रमजान बाद का बोला था, लेकिन आप बड़े बकरे अभी भी नहीं दिखाना, बताओ चार दिन बाद उनकी वीडियो बनवाएंगे? चार दिन बाद बनाएंगे। जो आप बड़े बकरे मुझे आंडू बता रहे हैं, नरगिस, मिर्जा, सुल्तान, उससे पहले कर देंगे लॉन्च, ये ना चार पाँच दिन में कर देंगे इंशाल्लाह अपना। जी जी, ये अभी खस्सी है दोनों बाबा साहब? खस्सी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बकरे हैं बाबा साहब के पास खस्सी में। बाबा साहब दोनों कुंतल भाव बकरे हैं? हाँ दोनों कुंतल के भाव। माशाल्लाह वो तो तकरीबन 120 किलो के आसपास का बकरा है मेरा जाता ख्याल बोलता है। माशाल्लाह काफी अच्छी बनावट है बकरे की। बाबा साहब आप जो लॉन्च करने वाले हैं मिर्जा, नरगिस और आपने जो नाम बताया था नवाब और एक सुल्तान, चार बकरे आप लॉन्च करेंगे? चार। तो चारों आंडू बाबा साहब? हाँ चारों, चारों आंडू बकरे। और किसी वो सब बेचने के? चारों सब बेचने के, यही बेचने के, ये भी बेचने के लिए, ये भी फॉर सेल के लिए, ये फॉर सेल। और आपके साथ कौन है? ये पहलवान साहब के साथ जाते? अशफाक पहलवान। अशफाक पहलवान साहब के साथ जाते हैं आपके साथ? जी। आज हाजी साहब के साथ जाते नहीं आए? अरे वो नहीं आए, वो जरा उधर है। बड़े वाले साहब जाते दिखे थे उधर वाले फार्म पे? अच्छा उधर वाले पे गए, आ गए वो भी आ गए। वालेकुम सलाम, कैसे भाई? ये हाजी साहब के साथ जाते हैं डॉक्टर साहब के। वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कलेक्शन बाबा साहब, मुझे अंदर देखा मैंने, हालांकि आपने उनकी वीडियो अभी नहीं बनाई है ना बनान दी है। और माशाल्लाह आपका जो नरगिस, मिर्जा जैसे नाम है माशाल्लाह वैसे ही बकरे हैं, वैसे ही बकरे हैं, एक एक चाल उनकी देखने लायक होती है बाबा साहब। वास्तव में बाबा साहब काफ़ी अच्छा मेंटेन करते हैं अब्बा गोट फार्म पे। और हम आपको बता दें बाबा साहब सूफियाना अंदाज रखते हैं। बाबा साहब नाज शरीफ बड़ी हसीन पढ़ते हैं माशाल्लाह। बाबा साहब अभी कितने बकरे होंगे आपके फार्म पे बड़े? भाई बड़े बकरे होंगे भाई कम से कम 26 बकरे होंगे बड़े। 26 बकरे बड़े हैं आपके पास अभी? अच्छा, और छोटे तो माशाल्लाह कोई गिनती नहीं? तो बहुत सारे हैं, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। और आप लोगों की दुआ है साहब? अरे हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है बाबा साहब। बाबा साहब काफी नाम है आपके गोट फार्म का, अब्बा गोट फार्म, और काफी रिजनेबल रेट में आप लोगों को बकरे देते हैं। लोग हमें रिप्लेस करके बताते हैं ना वहाँ से बकरा लाया, काफी अच्छा हमें जो है कि बकरा मिला है माशाल्लाह। बकरों में काफी साइनिंग और बहुत सफाई है बकरों को फिर आपके चलाएंगे इसको भाई? चलाना बस एक को चला दो भले। माशाल्लाह इतने वजन के ऊपर भी बकरा इतना स्पीड से चलता हुआ। माशाल्लाह पूरा गुलाबी बकरा, सर से लेकर पांव तक एक बाल भी उसका दूसरे कलर में नहीं। तो बाबा साहब अगर किसी को आना होगा आपके गोट फार्म पे तो एड्रेस क्या रहेगा उसका? एड्रेस ये है कि सिल्वर कॉलोनी बोरा कब्रिस्तान के सामने देवास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बाबा साहब आपसे मिलकर काफी खुशी हुई हमें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।